तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूँ जेव फोर बोकारो के बारे में। कुछ अपडेट आया हुआ है तो आप लोग ध्यान से देखें, और किन्हीं मन में कोई भी सवाल सवाल अगर कमेंट्स करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस किया। भ्रष्टाचार के आरोप में जमादार और कांस्टेबल निलंबित, ये बोकारो का अपडेट है, पेपर का अपडेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप में जमादार और कांस्टेबल निलंबित। यानी कि जेफ फोर की जो बहाली हुई थी झारखंड पुलिस के बोकारो जेफ फोर में चल रही बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराने में शामिल जमादार एवं कांस्टेबल को भ्रष्टाचार के आरोप में सोमवार को शाम निलंबित कर, यानी कि मंडे को शाम में निलंबित कर दिया गया है। बहाली प्रक्रिया में SISF के जमादार रवि महतो एवं जेफ फोर के कांस्टेबल सुरेंद्र मरांडी शामिल थे। दोनों बहाली में गड़बड़ी फैलाने के आरोप में निलंबित किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ अपडेट दिया गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पर देख सकते क्या कहा गया, निलंबित जमादार एवं कांस्टेबल ने बहाली में शामिल दो विद्यार्थियों के अंक पर प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर लाभ पहुंचाने की कोशिश की थी। अंक प्रमाण पत्र में चढ़ाए गए अंक को काट कर बढ़ाया गया था तथा बहाली बोर्ड के चेयरमैन IPS नौशाद आलम के पास जब मामला पहुंचा तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित कर दिया गया। देखिए यहाँ पर अभी क्या कारण निलंबित किया गया, आखिर बचना चाह रहे हैं या फिर क्या करना चाह रहे हैं बड़े अधिकारी, ये पता नहीं चल रहा। लेकिन आप लोग 19 तारीख को राजभवन के पास रांची में जरूर जाइए, ठीक है। 19 सितंबर को रांची 8 बजे तक आप लोग सभी को पहुँचिए राजभवन के पास। मैंने वीडियो अपडेट दे दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग पहुँचिए, बड़ी संख्या में वहाँ पर तादाद में पहुँचिए, आंदोलन होने वाला है, ठीक है। धरना प्रदर्शन होगा, तो जितने मेल फीमेल कैंडिडेट सभी को पहुँचिए। और यहाँ पर देखिए क्या गया, झारखंड पुलिस में चतुर्थ पदों के लिए 261 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए थे। 42,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 261 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए थे, 42,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो क्या है मामला, यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप में बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि पैसा लेकर किया गया काम। तो क्या किया गया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, और किन्हीं ने कोई भी सवाल सवाल करें कमेंट्स करें, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक अपडेट दिया, बोकारो पुलिस जेफ फोर का जो कि बोकारो में है उसकी बहाली हुई थी, 261 पद पर भर्ती हुई थी, तो उसी के लिए इस तरह से कुछ निलंबित किया गया था। यही देखिए ये आपका पेपर में आउट किया गया था ये प्रिंट, और वैसे आंदोलन किया जा रहा है आज भी, फिर एक पेपर में आउट हुआ, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो आपको जो मैं बनाऊंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपडेट पाने के लिए, पल पल की अपडेट मैं आपको देते रहूँगा हमेशा। जेफ फोर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। जितने भी कैंडिडेट है सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी अपडेट है मैं आपको दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बस ये अपडेट था। और एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग 19 सितंबर को रांची सभी को जरूर जाइए, मेरे फीमेल बड़ी संख्या में तादाद लोग लगभग 5,000 से 6,000 लड़के सवार हैं, लड़कियाँ मिलकर, ठीक है, सभी को आ रहे हैं 5,000 से 6,000 लोग। तो आप भी जाएँ वहाँ पर, मैंने पोस्टर वहाँ पर प्रोवाइड बहुत सारे के जो है उनगुलन आंदोलन वाले उनगुलन सेना वाले, तो वो वहाँ पर प्रोवाइड आपको सब कुछ करा रहे हैं, तो आप लोग जरूर जाएँ वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।